सरकार के आदेश पर इंद्री हलके से सटे उत्तर प्रदेश की सीमा को सील कर दिया गया है। देश में कोरोना ना फैले इसके लिए पुलिस प्रशासन दिन रात नाकों पर ड्यूटी दे रहा है, परंतु पुलिस प्रशासन के अलावा सिविल महकमों के अधिकारी और कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट रहे हैं, भले ही इसके लिए धूप में क्यों ना तपना पड़े। ऐसे ही एक सिंचाई विभाग में कार्यरत एक्सिन मनीष शर्मा, जो देश में हुए लॉकडाउन के कारण लगातार उत्तर प्रदेश के सीमा से सटे शेरगढ़ टापू के पास लगे नाकों पर ड्यूटी दे रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना महामारी में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं ताकि देश को कोरोना से बचाया जा सके। मनीष शर्मा के साथ नाके पर पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगी हुई है। नाके से गुजरने वालों को पूरी जांच पड़ताल के बाद ही गुजरने दिया जाता है। वहीं शेरगढ़ टापू के पास लगाए नाके पर तैनात एक्सिन मनीष शर्मा और उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मी नाके से बिना मास्क गुजरने वाले सभी राहगीरों को मास्क वितरित कर रहे हैं। यही नहीं, राहगीरों के हाथ भी सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं। राहगीरों के साथ मित्र पूर्वक व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही भी की जाती है। एक्सिन मनीष शर्मा का कहना है कि लॉकडाउन में दी गई छूट का दुरुपयोग ना करें, जरूरी काम होने पर ही अपने घर से बाहर निकले। इसके अलावा बातचीत करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। ये शेरगढ़ टापू गांव है, इसमें ये नाका लगाया है सरकार की तरफ से। यहाँ पे सारे आने जाने वालों को मुस्तैदी से चेक किया जा रहा है पुलिस विभाग द्वारा, और जिस पे मास्क नहीं है उसको हिदायतें दी जा रही है अपना मास्क लगा के आएँ, और मास्क भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं हमारे द्वारा जैसे जैसे जिसको ज़रूरत होती है। और भी हम जैसे गेहूँ की ट्रालियाँ और भी जो भी व्हीकल हैं उनको सब मुस्तैदी से चेक कर रहे हैं। तो यूपी क्षेत्र पड़ता है आगे जी, तो इधर वालों की जमीन भी है क्या उधर? हाँ, कुछ जमींदारों की ज़मीन है, सरकार ने स्पेशल परमिशन उनको दी हुई है अपना गेहूं अनाज लाने के लिए, तो उनको पास जारी किए हुए हैं जो सरकार से वो अपना एसडीएम साहब ने दिए हुए हैं करनाल ने, उनके दिखाने पर उनको नाके से निकाल दिया जाता है। तो यूपी से कोई गन्ना या यूपी के गेहूँ की आ रही है? यूपी से कुछ गेहूँ की ट्रालियाँ आई थी, उनको साथ के साथ वापस कर दिया जाता है जिससे परमिशन नहीं होती। मनीष शर्मा, एक्शन और इरिगेशन में ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहां पे अपॉइंट किया हुआ है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.